नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बर्मा मंच के रहने वाले निरंजन कुमार महापात्रा 1999 तक टाटा स्टील सीमेंट प्लांट में कार्यरत थे, जिन्हें जबरदस्ती लाफार्ज कंपनी भेज दिया गया, जिसका मामला अब भी जमशेदपुर लेबर कोर्ट में लंबित है। फिलहाल वे जहाँ रह रहे हैं उनके सभी सह कर्मचारियों को तकरीबन साल भर पहले क्वार्टर खाली करने का नोटिस देकर क्वार्टर ध्वस्त किया जा चुका है। एकमात्र महापात्रा ही है जिन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और वे बिल्कुल अकेले और असुरक्षित रह रहे हैं, जिनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना होना स्वाभाविक है। महापात्रा जी अपने पिता की सर्विस में काम करने वाले एकमात्र कर्मचारी हैं जिन्हें कंपनी द्वारा क्वार्टर दिया गया था और वे टाटा स्टील में वापसी के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, जिनका साथ अन्य 20 लोग भी दे रहे हैं। मगर इस मामले में 6 सालों से ना तो कर्मचारियों को सैलरी और ना ही कोई मेडिकल सुविधा मिली है, सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। उम्मीद और इंतजार में अब आंखें भी पथराने लगी हैं, जिसकी सुध ना तो प्रशासन और ना ही सरकार लेती है। अब उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार है कि कहीं उनकी फरियाद सरकार के कानों तक पहुंच जाए। मेरा नाम निरंजन महापात्रा, मैं बर्मा मंच बीनोड से बोल रहा हूं। हाँ, मैं अभी बर्मा मंच का जो स्थिति है, बीना रोड, मुना रोड, नामदी रोड, सब घर को तोड़ रहा है कंपनी। यहाँ पर सब एम्प्लॉई सब थे, सबको नोटिस दिया गया है, लेकिन सिर्फ मेरे को एक कोई नोटिस लेटर वगैरह कोई इशू नहीं हुआ जो मैं घर को खाली वैकेंट कर सकूँ या दूसरा जगह शिफ्ट हो सकूँ। एक्चुअली मेरे को लफार्ज इंडिया की तरफ से एक अलर्ट हुआ किया था 2016 में, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। आज इस स्थिति में मेरे को ना कंपनी वाला कुछ मैंने कर रहा है, ना कोई देखने वाला आ रहा है। कहीं कि मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा है लेबर कोर्ट में, हम लोग का 20 आदमी को डिस्प्यूट है। एक्चुअली हम लोग लफार्ज में काम करते करते एक नया कंपनी ने आके मेरे को गेट का बाहर कर दिया 2018 1 अक्टूबर से, जबकि उस कंपनी को अपने आप को बोल रहा है कि मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ, लेकिन कोर्ट में इस तरह का ये नहीं है। कोर्ट में वही डिस्प्यूट चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का रेफरेंस का मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मुताबिक यहाँ एक रेफरेंस बन के आया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें लफार्ज इंडिया को पार्टी बनाया गया है और टाटा स्टील को, क्योंकि मैं टाटा स्टील से जोजोबड़ा सीमेंट प्लांट में गया था काम करने के लिए, लेकिन टाटा कंपनी ने मेरे को 1999 में भेज दिया गया लफार्ज के। उस दरमियान हमको ना कोई ऑप्शन दिया, ना कुछ हमको मेरे साथ कोई वार्ता हुआ, ना कुछ हुआ, समझे। तो क्या चाहते हैं आप? हमारा डिमांड अभी यही है कि हमको कंपनी से, मेरे जो कंपनी मेरे को क्वार्टर दिया है लफार्ज, वो हमको कहीं से एक तो क्वार्टर दे या मेरा पूरा सेटलमेंट मेरा जो है वो हमको दे, मैंने दिया जाए। आप रिटायर कब हुए? हम 2023 1 सितंबर। तो किस कंपनी से आप रिटायर हुए थे? हम तो रिटायर, देखिए कोई कंपनी तो मेरे को नहीं, एज पर एज कम लफार्ज के बाद आप किस कंपनी में काम कर रहे थे? हम काम किए ही नहीं लफार्ज के बाद। तो फिर आपको ये जो क्वार्टर है लफार्ज ने अलॉट किया था? हाँ, लफार्ज ने अलॉट किया था। फिर 2023 में आप कैसे रिटायर हुए जब आप? नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए कंपनी का, हम कोई कंपनी का रिटायरमेंट नहीं हुए है, अपना उम्र के हिसाब से जो रिटायरमेंट का डेट होता है वो हम पकड़े हैं। मेरे को कोई कंपनी नहीं आया रिटायरमेंट करने के लिए, ना मेरा सेटलमेंट दिया, ना मेरा कुछ दिया है। कब से सेटलमेंट नहीं हुआ? मेरा तो आज 2018 से मेरा पूरा सैलरी पर पड़ा हुआ है, 2018 से लेकर अभी 2024 तक। ये 2018 तक आप लफार्ज कंपनी में थे? हाँ। तो फिर 2018 के बाद नया कंपनी एंट्री करके बोल रहा है कि हम आपका मालिक है, आपको गेट पास चेंज करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। कौन सी नई कंपनी थी? लोगों को भिस्टा बोल रहा है, जो निर्मा कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो उस निर्मा कंपनी में आप 2018 के बाद नहीं किए? नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। निरंजन कुमार महापात्रा। ये कौन सी जगह है? ये बर्मा मंच है, बर्मा मंच, बर्मा मंच बीना रोड, क्वार्टर नंबर 9। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक महापात्रा है, ये मेरे फादर निरंजन कुमार महापात्रा। हम लोग जैसे कि देख सकते हैं बर्मा मंच बीना रोड 9 नंबर क्वार्टर पर रहते हैं। तो 2018 से मेरे फादर का जॉब चले गया, उनका अभी रिटायरमेंट हुआ लास्ट ईयर ही।
हमें उस टाइम पीरियड से अभी तक से घर चलाने में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगल बगल यहाँ क्वार्टर की इतनी तोड़ाताड़ी कर रहे, चोरी डकैती सब चीज हो रहा है। अपने घर पे भी हमारे यहाँ पे लोग आकर यहाँ के आम बस्ती के लोग पीछे तोड़ दिया जा रहे, तो हमें काफी कष्ट से एकदम घर चलाना पड़ रहा है, सब चीज इधर उधर देख कर अपना एकदम सब चीज। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का नहीं, यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं गया, जो कोई भी है मतलब हमें नोटिस भी नहीं गया, मेरे फादर के जो भी कंपनी से जैसे कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। नॉर्मली लोग आकर यहाँ पर टाटा स्टील जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं जो भी तोड़ वगैरह दे रहे हैं, और बस्ती के लोग इधर उधर बस्ती से आकर लोग तोड़ रहे हैं, हमें परेशानी कर रहे हैं, नहीं हम अगर हम उन्हें रोकने गए तो हमें धमकियां मिल रही है उनसे। क्या कह रहे हैं वो लोग? अगर हम रोकने गए तो वो लोग हमें आकर बोलते हैं या तो हम लोग आपको मार के आपका ये कर देंगे। घर में हम है, हमारे छोटी फैमिली है, काफी समस्या है, डर में हम लोग माहौल में यहाँ पर रहते हैं। महिलाएं अपनी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब हमारी माता है, हमारी बहन है घर पे, महिला है हमारे घर पे, दो है, दो जेंट्स हम लोग। क्या मांग है? मांग यही है कि कंपनी से जो भी टिस्को या जो भी मेरे फादर के जो भी कंपनी ये है, हमें आइदर एक क्वार्टर मिल जाए और जो भी ऑरल सेटलमेंट जो भी मेरे फादर का जो भी डिमांड ऑन डिमांड वो पूरी कर दिया जाए। सेटलमेंट ये तो 99 से, ये सेटलमेंट काफी पुराने टाइम से है, लेकिन जो भी मेरा है जो भी फादर का केस उस चल रहा है वो सेटलमेंट जल्द से जल्द पूरी किया जाए एकदम, क्योंकि ये माहौल ये जैसा आप देख सकते हैं ये रहने वाली जगह एकदम नहीं है, क्योंकि आज छत गिरी कल हमारे घर पे भी अटैक हो सकती है, कल हमारे भी छत गिर सकते हैं, इसमें जान जा सकता है अपने घर के लोग को। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा, साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।